ओ जी, हैप्पी होली टू ऑल। आपका स्वागत है दोबारा हैंग ब्लॉग चैनल पे। आज क्या है, कल क्या है भैया? देखो, आज से छोटी होली, हम हिंदू में छोटी होली आज मनाते हैं, और कल है आपकी बड़ी होली, ठीक है। सो आज का प्लान क्या पूछा? आज का प्लान कुछ नहीं है, कल का प्लान जरूर है। कल जाऊंगा अपनी बीवी को लेने मायके, अपनी बीवी के मायके, तो अपने ससुराल। सो मैं होली होली खेलता नहीं, तो इसलिए मैं ससुराल जाऊंगा शाम के टाइम, ताकि भैया बंदों से बच जाऊँ, वरना सारे क्या पता कोई ना कोई लपेट दे पता नहीं होता ना, क्योंकि पहली पहली बार जब दामाद जी घर पे आते हैं तो बाल्टियाँ अच्छे से डलती हैं सर के ऊपर, ये हमने देखा है अपनी बचपन में अच्छे से। सो मैं चीज़ से बचता हूँ, स्टार्टिंग से मुझे होली कहीं पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं रात को जाऊँगा 6-7 बजे, ताकि होली से बच जाऊँ, ठीक है ना। और तो अभी क्या होगा घर में, अभी कुछ नहीं है, सब बोरियत है। भैया बहू नहीं है ना, तो मन नहीं लग रहा किसी का यहाँ पर, सारी बात ये है। ये जो ननद जी है ना, ये ननद जी बोल रही है भाभी भाभी आ जाओ, भाभी मुझे किचन में जाना पड़ रहा है भाभी। अब किचन में जाना पड़ रहा है, देख रही हो, देख रही हो, चालू। मगर सच बात तो ये है, देखो मम्मी का मन नहीं लग रहा, और मेन तो मम्मी तो एक दिन बाद ही बुला रही थी कि बेटा तू आ जा, जो सच बात ये है, मम्मी का मन नहीं लग रहा, क्योंकि ये सास हुए दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, इन दोनों आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं दोनों बैठ के, तो गप्पों से आपस में दोनों सासुओं का प्यार बढ़ता है, तो वो देखो, तो इसलिए मन इनका मन नहीं लगता। शालू को बुला रही है कि शालू होती तो मैं कम से कम बात करती रहती हूँ, दोनों आपस में खाना पीना बनाते रहते हैं, और मेरी बहन है, मेरी बहन का लग रहा, दोनों आपस में गप्पे मारते रहते हैं भाभी के भाई करके, और भैया देखो मेरा तो लग रहा है तो भाई वहाँ पर कोई दिक्कत, 2-4 दिन की बात है, कौन सा महीने भर के लिए गई है मेरी वाली। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम बनाने वाले हैं मैगी, और देखो खाने में कुछ नहीं है, मम्मी एक्चुअली भिंडी काटती थी, मैंने कहा भिंडी उंडी खाने वाले यार बिल्कुल भी, तो आज हम खाएंगे मैगी, और बहन मैगी के नाम से खुश हो गई कि भैया आज बनने वाली है मैगी। तो मैगी कैसे बनाएंगे आज, मेरे से मम्मी, मैं आपको अपने स्टाइल में बताऊँगा मैगी बनाना, कि मैं मैगी कैसे बनाता हूँ। बेटा शेफ है भाई, शेफ बोलो शेफ। तो मैगी बनाते हैं, और मैं इसमें क्या डालूंगा, क्या क्या करूंगा, वो आपको सब दिखाता रहूंगा लाइव, और मैं साथ साथ देगी मेरी बहन, साथ देगा ना, सब्जी काटेगा नहीं, बदतमीज है बहने होती बदतमीज है, कहने वाली बात ही नहीं यार, घर घर में बहने वो बहुत बदतमीज होती है, बेचारी भाइयों को ना खून चूस लेती है। बताऊं भी मेरी बीवी आने क्वेश्चन बोल भाई, देखो क्या क्या बोला जा रहा है आपके बारे में, आपके पीठ पीछे से देखा क्या बोला यार, भाभी आ जाओ किचन में, मेरे गुस्सा पड़ रहा है। नहीं तो चलो ठीक है, बनाते मैगी, बनाओ दिखाते आपको मैगी में क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और जो टेस्टी मैगी बनती है हमारे घर में। आहा, तो आज का खाना क्या है, मैगी, नो रोटी, नो नो सब्जी, नो चावल, नो दाल, ओनली मैगी। ये देखो बेचारी मेरी माँ, बेचारी देखो ये बना रही है भिंडी, माँ आपको भिंडी मिलती बनाने को है, महंगी सस्ती, मैं तो इतना 30-34 की भिंडी बना लेती हूँ, पता नहीं क्या प्यारा भिंडी, हमें तो नहीं ना भैया, आपको है तो क्या हमें खिला के मार दोगी, अभी तुम्हें पानी आ गया, ऐसा करो हमारा ना मैगी का, नहीं मैगी का सत्यानाश मत करो ये सब बोल के, फ्री भिंडी का बनाओगी आप है, तो मैगी बना रहे हो तो मैं सुबह बनाऊंगी भिंडी, सुबह बनाओगी, तो भिंडी और मूंग की दाल, हाँ पक्का सुबह, हाँ चलो ठीक है, तो हमारी होली की शुरुआत होगी भिंडी और मूंग की दाल से। नहीं भाई चाय बनाऊंगा मैं सुबह सुबह उठ के, क्या बात कर दी आपने, इलायची वाली और वाली सौंफ वाली। सो तैयार है हम अपनी छुरी लेके, छुरी के साथ है हमारे पास गाजर, गाजर काटेंगे और साथ में डालेंगे हम प्याज, प्याज के साथ में डालेंगे टमाटर, ये हमारा होगा इंग्रेडिएंट आज का, ना मैं ज्यादा मटर डालना, हाँ पनीर डाल सकते हैं, पनीर डालेंगे इसमें, अंदर बनाएंगे पनीर मैगी, और अपनी बीवी को भेजेंगे वीडियो, और खिलाएंगे ये पूरी फैमिली एंजॉय करते हुए पनीर मैगी खाते हुए, और मेरी बीवी को पूरियां खाते हुए जो हर घर में बनती है हर दूसरे दिन पे। सो खाने का तरीका मेरा थोड़ा ऐसी है, मैं हल्का सा छोड़ो ज्यादा हो जाएगी, आप लो। ए बंटी तेरी नाइफ स्लो है क्या, ये चाकू है क्या है, ये गाजर नहीं काट पा रहा यार, ये क्या
और अब बारी है इसकी जो बहुत रुलाती है, जो बिना बात के रुलाती है। यार इसको काटना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। Enjoying, bro? Enjoying. So, कुड़ा कुड़े दान में डाले वरना आपकी बीवी आपको सुना सकती है आकर। बात तो ठीक है। इतनी साफ सफाई वाली बनती है मेरी बीवी, मैं क्या ही बताऊं। मतलब अल्फाज खत्म हो जाते हैं, इतने साफ सफाई वाली बनती है मेरी बीवी कि मैं खुद परेशान हूँ साफ सफाई लेके। घर की एक अच्छी बात क्या है, हमारे घर में ना खाना तेल में नहीं बनता, तेल में बहुत कम खाना बनता है। कितनी बात ऐसा होता है कि हम पूरी में जो होते देसी घी में होते हैं, अमीर इतने नहीं है बस खाने का शौक है। मैगी रोज खाना नो बहाना। एंड दिस वन इज किमची। ये मैंने ये क्या मैंने मंगवाई कोरियन नूडल्स है। कोरियन नूडल्स आई लाइक इट। मैगी बननी सिर्फ दो बंदों के लिए, मम्मी मैगी बन रही है सिर्फ दो लोगों के लिए, खाली मेरी बहन के लिए और जो मम्मी अपना बेचारी दाल चावल खाके सो गई। मैगी का वेट करते करते सो बनाते मैगी। पहले हमें क्या करना है, पहले लेना है प्याज, ठीक है। धीमी गैस नहीं है, धीमी गैस पे खाली जो है प्याज पकानी है। ये डाल देंगे प्याज, ठीक है। और हमारी प्याज होती रहेगी और हम साथ में पारेंगे मैगी के पैकेट टाइम बचाने के लिए। को हल्का सा गोल्डन आना चाहिए आपका, मैं जो प्याज बोलते हो ना हल्का सा गोल्डन आना चाहिए, उससे क्या फ्लेवर आता है। ज्यादा जलामा देना, ज्यादा उसको लाल काला मत करना भैया, जो जाता है वो नहीं करने की बिल्कुल भी। और अब डालेंगे इसमें हम गाजर, कैरेट और अब गए इसमें हमारे पनीर जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके थे, वो पनीर डालें। मर्जी है कच्चे में डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। और थोड़ा इसको भून लो। Look how delicious it looks। अब थोड़ा इसको हम भून लेंगे ताकि जो फ्लेवर है थोड़ा अरोमा है इसका, जो वेज है उसका आ जाए फ्लेवर। मैगी खाने में बहुत ज्यादा मजा है। बहुत से अपने लोग अपनी ट्राई करते हैं मैगी, जैसे कुछ चिकन वाली करते हैं, कुछ एग वाली करते हैं, कुछ सब्जी वाली करते हैं। भाई देखो आप साधारण लोग, हम करेंगे नॉर्मल वेज वाली, ठीक, ताकि रात का जब रात का खाना हल्का हो जाए अपना। अब लेंगे हम मसाले घर के स्पेशल मसाले। ये डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच और थोड़ा सा धनिया पाउडर। हो गया एक चुटकी नमक, नमक से कम डाल लो, बहुत सारा नमक डालता हूँ ऑलरेडी मैगी में, बहुत नमक होता है और नमक खाली चुटकी से डालेंगे क्योंकि हम इसमें मैगी मसाला एक, अब थोड़ा सा इसको भून लो, कितना 30 से 50 सेकंड, इतना बहुत होता है।
आटा हमने इसमें पानी थोड़ा हल्का सा डालेंगे, थोड़ा पाउंड की जरूरत लग रही है। ये देखो आप लोग अंदाज आइए हिसाब से बनाते हैं, प्रॉपर शब्द हैं, इतना पानी बहुत है। और अब बारी है इसमें डालने की मैगी, जो कि हमने पहले से मैश करके रखी हुई है, मैश जो कि क्रंच करके रखी हुई है। और थोड़ा सा मिला लेंगे, क्या करेंगे हम अब इसमें, हम अब इसमें हम एक स्पून बटर करेंगे अमूल का, यह है बटर अमूल का, एक स्पून अमूल बटर, नाइस, थोड़ा मिला लेंगे, थोड़ी आग तेज कर देंगे इसकी, उसके बाद इसको क्या है ढकने का काम करेंगे, ढक देंगे और गैस कर देंगे थोड़ी मीडियम। सो थोड़ी देर हमारी बन जाएगी मैगी, मतलब हमारा अपन लोगों का खाना बन जाएगा। तो ज्यादा इसमें कुछ हिसाब डाला नहीं है, जो भी आपको पहले बता दिया है, ज्यादा हैवी खाना खाता नहीं हम रात के टाइम, पूरा फैमिली हमारा भी खाता भैया खाना। देखिए आप देख सकते हैं मैगी के रंग, नाइस, खुशी बहुत अच्छी आ रही है, नो डाउट। खाइए खाइए, शर्म नहीं आ रही भाई बना के खिला रहे आपको, क्या करूं, खा के बताएं कैसी बनी है, अभी खा के टेस्ट करके बता रहा है, अभी बताना है। हाँ जी थोड़ा फूंक मार के खा लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। सो खा रहे हैं अपनी मैगी, मैगी तो खा ली, नींद नहीं आ रही है, तो सोचा क्यों ना नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लूँ। मैं सीरीज टाइम वॉच कर रहा हूँ, कौन सी है, एलिस इन बदलैंड, आप देखो, आप खाली एक एपिसोड देख लो, ना लत पड़ गई तो बात रही, मगर प्लीज़ अपने रिस्क पे देखना भैया, क्योंकि लत पड़ जाएगी तो टाइम निकालना आपको दिन में ज़रूर पड़ जाएगा इसके लिए, वो भी एक घंटा, ठीक है। तो अब सोते हैं, कल जाना भी है अपनी मैम को लेने के लिए घर पे उनके होली के त्यौहार पे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए शब्बा खैर, टाटा, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, हैप्पी होली टू ऑल, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, टाटा टेक केयर।